नमस्कार दोस्तों, मैं अमेजिंग यूट्यूब पर आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं मैंगो बास्केट थीम तंबोला, बहुत ही इंटरेस्टिंग से डिविडेंस के साथ। एक्चुअली ये एक ऑन डिमांड वीडियो है, मैंने ऐसा ही समर गिफ्ट हैम्पर का वीडियो बनाया था तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने डिमांड किया था कि उनको वैसा ही मैंगो बास्केट का भी टिकट चाहिए। तो आज मैं ये आपके लिए लेके आई हूँ, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि इससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थीम आइडियाज़, बहुत सारी तंबोला, बहुत सारे गेम्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिए। उनमें से कुछ के लिंक मैं आपको दूँगी ऊपर आई बटन में और कुछ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को भी देख पाएंगे या फिर आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 700 प्लस वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, ये है वो टिकट जो कि मैंने मैंगो बास्केट तंबोला के नाम से डिज़ाइन की है। तो अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी विद नंबर्स आप मेरे से परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके कि बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं। और अब हम बात करते हैं इसको हमें खेलना कैसे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि हमने 5 बास्केट्स लगाई हुई हैं एंड यहाँ पे हमने 2 स्टैंडर्ड तंबोला टिकट आप बोल सकते हो या नॉर्मल टिकट्स आप बोल सकते हो, उसमें उसके नंबर्स फिल किए हुए हैं और हर एक लाइन के सामने हमने जो मैंगो की वैरायटी होती है उसके नेम दिए हुए हैं। तो अब हमें इसको कैसे खेलना है। नॉर्मल वे से नंबर कॉलिंग स्टार्ट होगी जैसे कि हर टिकट में होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला डिविडेंट है वो है अर्ली 9 का। जैसे कि नॉर्मल नंबर कॉलिंग होती है हमारी तंबोला में, वैसे नॉर्मल नंबर कॉलिंग होगी एंड वैसे ही जो मेंबर्स हैं अपने नंबर्स को काटेंगे, जिसके भी सबसे पहले 9 नंबर कट जाएंगे अर्ली 9, वो मैंगो का मज़ा बोलकर इसको क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिविडेंट है वो है रसीला आम। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो हमने 2 टिकट्स दी हुई हैं उनके कॉर्नर वाले नंबर्स काटने हैं, जैसे कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट जो टिकट है उसकी फर्स्ट लाइन का फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ऐसे ही थर्ड लाइन का फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। सेकंड जो टिकट है उसकी फर्स्ट लाइन का फर्स्ट एंड लास्ट नंबर एंड लास्ट लाइन का फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो ये जो नंबर्स कट रहे हैं हमारे, ये आप बास्केट की नंबर फिलिंग में भी यूज़ करेंगे, इनको आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है नंबर्स को। अगर इस पैटर्न में कटते हैं आपके तो आप डिविडेंड नंबर 1 एंड 2 क्लेम करेंगे, अदरवाइज़ इनको आपको इन बास्केट्स के लिए कैसे यूज़ करना है वो आपको अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगी। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी ये बास्केट्स हमें कैसे क्लेम करनी है। जो नंबर कॉलिंग हो रही है उसमें अगर आपके डिविडेंड 1 एंड डिविडेंड 2 के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट होता है तो आप वो डिविडेंड क्लेम कीजिए और साथ ही साथ उन नंबर्स को आपको इन बास्केट्स में भी फिल करते रहना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका अल्फांजो का 15 कटा तो देखिए ये आपका एक कॉर्नर का नंबर भी है, बट आपको इसको नीचे बास्केट में भी फिल कर लेना है। इस बास्केट को कंप्लीट करेंगे हम। तो नेक्स्ट मान लीजिए आपका दशहरी वाली लाइन में से नंबर कटा कोई, वो है नंबर 9, तो आपने इसको यहाँ पे फिल कर लिया। दोबारा से नंबर कॉलिंग के दौरान आपका कोई नंबर कटा या आपकी टिकट में वो नंबर है तो वो भी हमारा जो है दशहरी वाली लाइन में से ही है 31। जैसे कि फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप उसको नीचे वाली बास्केट में फिल करना स्टार्ट कर लेंगे। ऐसे ही फिर से नंबर कॉलिंग हो रही है एंड आपका नंबर कटा 35 जो कि सफ़ेदा वाली लाइन में से है तो आप उसको सफ़ेदा वाले सेक्शन में फिल कर लेंगे। ऐसे ही चौसा वाली लाइन में से कोई अगर आपका नंबर कटता है तो आप चौसा वाले सेक्शन में फिल कर लेंगे। अगर ऐसे ही आपके चौसल वाली लाइन में कोई और भी नंबर कटता है तो आप उसको सेकंड जो बास्केट है उसमें फिल कर लेंगे। अगर एक और भी कटता है तो आप थर्ड बास्केट में उसको फिल कर लीजिए सेम लाइन की। तो इसी हिसाब से बादामी में से जब आपका कोई नंबर कटा, मान लीजिए 3 कटा, तो आपने उसको बादामी वाले सेक्शन में फिल कर लिया। एंड लंगड़ा में से अगर आपका कोई नंबर कटा तो आपने उसको लंगड़ा वाले सेक्शन में फिल कर लिया। तो इस हिसाब से हमारी मैंगो बास्केट नंबर 1 रेडी हो गई है और आप इसको अब क्लेम कर सकते हैं। इसमें ट्विस्ट ये है कि हो सकता है आपकी मैंगो बास्केट 1 में सिर्फ एक ही नंबर बचा हो फिल होने में, इसी दौरान अगर कोई और मेंबर इसको क्लेम कर लेता है तो आप इन नंबर्स को कहीं और फिल नहीं कर सकते हैं, आपको दोबारा से अपनी बास्केट बनानी स्टार्ट करनी है। तो ये इसका मेन ट्विस्ट है। ऐसे ही
मैंगो बास्केट 2 क्लेम होगी, 3, 4 एंड 5 क्लेम होगी। और अब हम बात करते हैं इसकी लाइंस की। तो यहाँ पे जब आपकी टिकट में ये सारे नंबर्स कटेंगे तो आप अल्फोंसो के लिए क्लेम कर सकते हैं, ये दशहरी के लिए, ये सफ़ेदा के लिए, ये चोसा के लिए, ये बादामी के लिए एंड ये लंगड़ा के लिए। मान लीजिए आपने बास्केट फिल करी बट आप वो क्लेम नहीं कर पाए, तो यहाँ पे तो आपके नंबर्स कटे ही हैं, लाइंस के लिए तो आप एलिजिबल हैं ही अभी, तो लाइंस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं फुल हाउस की। आप अपर फुल हाउस या लोअर फुल हाउस भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी ऊपर वाली टिकट के सारे नंबर कटते हैं तो आप आई लव मैंगो बोल सकते हैं, और नीचे वाली टिकट के सारे नंबर कटते हैं तो आप किंग ऑफ फ्रूट्स रख सकते हैं, या फिर कंप्लीट 30 नंबर का भी आप एक फुल हाउस रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने इन डिविडेंड्स को क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिकट का आइडिया एंड डिविडेंड्स का आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, और साथ ही मेरा ब्लॉग भी ज़रूर विजिट कीजिए www.tambolafungames.com। आपको यहाँ पे भी तंबोला के काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे। एंड मेरा सेकंड चैनल है एमसीक्यू एजुकेशन का, यहाँ पे आपको ओलंपियाड की काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ओलंपियाड के काफ़ी ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे। इन दोनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली मेरे ब्लॉग पर एंड मेरे सेकेंड चैनल पर पहुँच पाएंगे। और अगर इस टिकट की सॉफ्ट कॉपी विद नंबर्स आप मेरे से परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके कि बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं। और फ्यूचर में इंटरेस्टिंग गेम के लिए, पार्टी गेम के लिए, थीम बेस्ड तंबोला टिकट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सिलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें।